हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एमके नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि सीजी व्यापम का अभी बहुत सारे पोस्ट आ रहे हैं, उन सभी पोस्टों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी जो भी व्यापम में पूछे गए हैं, एडीओ वीडियो का भी पोस्ट आने वाला है, एडीएस का भी पोस्ट आने वाला है। व्यापम के अंतर्गत फूड इंस्पेक्टर और निरीक्षक का एग्जाम कुछ ही दिनों में इसका डेट भी जारी कर देगा, तो आप निश्चित रूप से इन सभी चीज़ों को आप आसानी से पढ़ते रहें और अध्ययन करते रहें। चलिए हम बात करते हैं इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें आई हुई हैं और उनको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इसमें दिया गया है कि इस राज्य में पंचायती राज अधिनियम 1983 की धारा 88 के तहत ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों की जांच किसके द्वारा की जाती है, इसका राइट ऑप्शन बताना था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कलेक्टर द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी का अधिकारी जो होना चाहिए। इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 88 के तहत ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों की जाँच कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था कि इस राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 के किस धारा में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुला जाने का प्रावधान है। तो इसमें देखिए आपका धारा क्या है, 21 में ऐसा बताया गया है, पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत की जो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा 21 में रिकॉल द्वारा 21 क में हटाना है, धारा 40 में निलंबन है धारा 39 में। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि ग्राम सभा की परिभाषा के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसका हम बात करेंगे तो ग्राम पंचायत क्षेत्र के विशिष्ट क्या है समाविष्ट किसी से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले कोई निकाय ग्राम सभा है। तो इसका राइट ऑप्शन 2, 3 हो जाएगा, यानी कि 2 अर्थात 1 ग्राम और राजस्व ग्राम, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी ग्राम सभा की गढ़पूर्ति के विषय में क्या सही हो सकता है। तो इसमें देखिए यहाँ पर दिया गया था 1, 5 और 7, यानी कि ग्राम सभा की कुल संख्या 1/10 होनी चाहिए। पाँचवां इसमें लिखा है कि 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, ग्राम सभा में उपस्थित होना चाहिए, सरपंच उप सरपंच और 5 गणपूर्ति के लिए जवाबदार होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन 7 भी होगा। नेक्स्ट इसमें पूछा गया था कि ग्राम सभा सम्मेलन के लिए कुल सदस्य संख्या का 1/10 दशमांक, जिसमें 1/3 महिलाएं एक तिहाई होनी चाहिए, अनुसूचित क्षेत्रों में कुल सदस्य संख्या 1/3 जिसमें से 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, ग्राम पंचायत बैठक के लिए कुल सदस्य संख्या 1/2, जनपद पंचायत बैठक के लिए कुल सदस्य संख्या 1/3 और जिला पंचायत बैठक के लिए कुल सदस्य संख्या का 1/3 होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें दिया गया था कि छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के निम्नलिखित में कौन सा बुनियादी इकाई है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाए, ग्राम सभा। नेक्स्ट है ग्राम सभा के संदर्भ में सही कथन क्या है इसके चुनाव के लिए आया था। तो कई बार ग्राम सभा से या पंचायती राज से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा। दूसरा इसमें है कि सरपंच के अनुपस्थित में उस सरपंच ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता भी कर सकता है, दूसरा भी कथन सही है। पांचवा कथन सही है कि सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों की बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो इस प्रकार से 1, 2 और 5 इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है। तो सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच या यदि सरपंच अनुपस्थित हो तो उप सरपंच तथा अध्यक्षता करेगा, दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा अपने ही बीच से अध्यक्ष चुने जाता है। और इसमें पूछा गया था कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ग्राम सभा के अध्यक्ष हमेशा ग्राम सभा के सदस्यों से ही चुने जाते हैं, जो कि अनुसूचित जनजाति और वहाँ से कोई भी पंचायत पदाधिकारी सरपंच पंच नहीं होगा, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम सभा की बैठकों में कौन कौन सी सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वार्षिक आय व्यय का जो है बैठकों की सूचना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम जो है सभा बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्राम सभा द्वारा तत्समय निर्वाचित व्यक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन डी नंबर होगा कि ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय होता है। जैसा कि यहाँ पर व्याख्या इसमें किया गया है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र के शामिल गाँव से संबंधित निर्वाचक नामावली से रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के समूह को ग्राम सभा कहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन और सभी क्षेत्रों में ग्राम पंचायत से पूछे जाते हैं, जैसे कि फूड इंस्पेक्टर में काफी मात्रा में पूछे जाने की संभावना है, जो कि अभी इंस्पेक्टर का भी आने वाला है एग्जाम। इसमें देखिए पूछा गया था कि ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है। देखिए ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गणपूर्ति आवश्यक होता है, इसमें कथन गलत है। ग्राम सभा की बैठक में जो है क्या सही नहीं है इसमें पूछा है, तो यहाँ पर क्या है गलत कथन छाटना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भी, यानी कि 5, 6 और 7 इसमें क्या सही है। पांचवां है स्थगित सम्मेलन में भी गणपूर्ति आवश्यक है, तो गलत है। और छठवां है कि स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर बजट पारित किया जाएगा, तो गलत है। जब स्थगित सम्मेलन हो गया तो फिर ऐसा कोई व्यवस्था करने की बात नहीं है। और इसमें सातवां था कि स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी लेखा संप्रेक्षा प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है, तो भी कथन क्या है गलत है। इस प्रकार से अतिरिक्त सभी का कथन क्या है सही है। तो इसको काफ़ी अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा
और फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसके आज हमने 30 क्वेश्चन को इसमें अध्ययन किया है और ग्राम पंचायत से संबंधित तमाम जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को हम लाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका राइट ऑप्शन डी नंबर होगा, उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। और नेक्स्ट है कि ग्राम सभा की बैठक के संदर्भ में कौन सी तिथि असंबद्ध है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 14 मई को क्या है नई बैठक होती है, जबकि 23 जनवरी और यहाँ पर है आपका 14 अप्रैल, 2 अक्टूबर और 20 अगस्त को ग्राम सभा की बैठक निश्चित रूप से की जाती है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।